हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल टैली को लेकर के है। अब ये इन्होंने सवाल क्या पूछा है वो आपको बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि सर मेरे में बार बार अगेंस्ट रेफरेंस आ जा रहा है और कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इनका सवाल टैली प्राइम पर नहीं है बल्कि ERP 9 पर है। तो ERP 9 हम ओपन कर लेते हैं। सेम आप प्राइम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम में तो और आसान है, तो चाहे ERP 9 यूज कीजिए चाहे प्राइम यूज कीजिए, बात तो बराबर ही है। तो यहां पर इन्होंने पूछा है ना कि किस तरीके से पेमेंट करेंगे। अगर यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस आ जा रहा है बार बार, तो हम पेमेंट कैसे करें। तो यहां पर आ जाएंगे एजुकेशनल मोड पर। एजुकेशनल मोड जो है आप फ्री में यूज कर सकते हैं, टैली की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, और यहां पर आकर के ये क्रिएट पे आएंगे, और जैसे क्रिएट पे आते हैं तो एंटर कर देते हैं और यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू एजुकेशनल एंड ग्रोसरी शॉप नाम से ये कंपनी हमने बना ली। एंटर किया। यहाँ पर जो एड्रेस है वो आएगा, तो यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, जो कि हमेशा से ही मैं करते आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यही मेरा एड्रेस है तो यही कर देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया। और एंटर करके यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, एंटर करेंगे, और यहाँ पर 274001 करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो एक्सेप्ट कराने के बाद अब इसमें चाहे तो आप GST चालू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। GST चालू करिए ना करिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो GST को चालू करने के लिए F11 प्रेस करना होगा, और F11 प्रेस करके स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसको भी चालू ही कर लेते हैं। तो यहाँ से यस कर दीजिएगा, इसको भी यस कर दीजिएगा, दोनों यस करके यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आएगा GST IN नंबर, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका GST की डिटेल को अल्टर करना है, और यहाँ से जाकर के इसे टैक्सेबल रख लीजिएगा, 12% बाई डिफॉल्ट GST रख लेता हूँ। एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पे वी बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे सीधा अगर आप पेमेंट के लिए जाएंगे तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपने परचेज में एंट्री पास करी है, जैसे मान लीजिए आप परचेज पे गए, यहाँ पर कोई एंट्री कर ली आपने, जैसे मान लीजिए कैश में ही एंट्री पास कर ली, या फिर कैश में नहीं करते, क्योंकि अगर कैश में करेंगे तो फिर हम पेमेंट किसको करेंगे, ये तो ऑलरेडी कैश हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक क्रेडिटर पार्टी बना रहा हूँ, जिससे कि हम उधार में सामान खरीदेंगे बाद में पेमेंट करेंगे। तो ये रितेश सप्लायर कर देते हैं, रितेश सप्लायर हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ये करके एंटर करिए, और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको आपको यस रखना बड़ा जरूरी है, तो इसको यस जरूर रखिएगा। बाकी की सारी चीजें एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, ये भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ बनता है परचेज का लेजर, तो यहाँ पे कर दीजिएगा परचेज अकाउंट, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, और यहाँ पे परचेज अकाउंट करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद अल्ट सी लगाइएगा, अल्ट सी प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका डिटेल, तो जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया रिफाइंड ऑयल, OIL ऑयल हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे यूनिट बनाएंगे, अल्ट सी करके यूनिट बना लीजिए। यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब जैसे ऑयल बिकेगा रिफाइंड ऑयल, तो ये तो लीटर में बिकेगा, तो LTR कर देते हैं। यहाँ पे सिंबल क्या कर दिया, LTR, और फॉर्मल नेम LITRE लीटर कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिलीलीटर किलोलीटर जो भी है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलीलीटर कर देते हैं, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 रख करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट भी करा लेते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि 5 लीटर रिफाइंड ऑयल परचेस किया जा रहा है और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की खरीद रेट 120 है। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पे GST आएगा, GST का लेजर लगा देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे CGST, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो CGST SGST है आएगा, और यहाँ पे ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST ये हो ही जाएगा और ये सेंट्रल टैक्स हो ही जाएगा। बाकी की चीजें करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए CGST कैलकुलेट हो गया, लेकिन खाली CGST तो लगेगा नहीं, इसके साथ SGST भी लगेगा, तो अल्ट सी करके यहाँ पे कर दीजिए SGST, तो ये SGST भी हो गया। एंटर किया, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ पर इस बार स्टेट टैक्स चूज कर लीजिएगा, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 36 रुपए CGST SGST आ गया। अब इसको एंटर करके यहाँ पे द गुड्स हैव बीन परचेज ये कर दिया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब जो है यहाँ से बाहर आना है, बाहर आ गए, अब चलेंगे पेमेंट पर, तो अब आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ गया। अब यहाँ पे डेबिट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको लेजर भी दिखाई पड़ेगा। अब ये सप्लायर पार्टी का लेजर है, तो देखिए यहाँ पर इनका बकाया है मात्र 672 रुपए, तो हम 672 रुपए ही इनको दे सकते हैं, कम दे सकते हैं या 672 दे सकते हैं, तो यहाँ पे 672 रुपए इनको दिया।
तो ये कर्सर ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस पे आ गया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। अब यहां पर अगर आपका ऐसा हो रहा है कि कर्सर अगेंस्ट रेफरेंस पे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि आप किसी अदर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा रहे हो या कोई गलत लेजर इंसर्ट कर ले रहे हो। जैसे मान लीजिए एक और क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, संडी क्रेडिटर ग्रुप रहेगा इसका, और ये संडी क्रेडिटर ग्रुप हो जाएगा, एंटर एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए, तो ये हो गया। अब यहां पर संडरी क्रेडिटर का ग्रुप जो है हमने बना लिया है। अब मान लीजिए कि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो हीना को तो पेमेंट करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है इनका तो कुछ बकाया है नहीं, तो अगर आप पेमेंट इनको करते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 600 ही पेमेंट कर दिया इनको, तो 600 पेमेंट करेंगे तो ये ऑन अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कर्सर अगेंस्ट रेफरेंस पे रहता है तो ऐसे में ये आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह की दिक्कत अगर आपको आ रही है तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि आपने पार्टी कौन सा इंसर्ट किया है वहां पे। अगर आपने गलत पार्टी को इंसर्ट किया है तो ऐसी स्थिति में हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर जो है आप गलत पार्टी का लेजर अगर लगा रहे होंगे तो ये नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। तो जिनकी भी प्रॉब्लम है आई होप कि इससे सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप डिटेल में हमको लाइव जो है मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा लेकर के, वैसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे, ठीक है ना।